पाकिस्तान के पास आबी वसाइल की भरमार है जो इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए एक अहम मुल्क बनाता है। मुल्क के वसी दरियाई निजाम के लिए बुनियादी तौर पर दरिया सिंध और उसकी मोमिन नदियाँ हाइड्रो पावर को इस्तेमाल करने के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करती हैं। ये दरिया हिमालय और कराक्रम के ग्लेशियर्स पिघलने के साथ साथ मानसून की बारिशों से बहते हैं जो साल भर पानी के मुसलसल बहाव को यकीनी बनाते हैं। पाकिस्तान में हाइड्रो पावर की स्ट्रेटेजिक अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये काबिल दीद कम लागत और माहौल दोस्त तवानाई का जरिया पेश करता है जो फोसिल फ्यूल पर इन्हासार और मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में मदद करता है। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम ऑपरेशनल बड़े हाइडल मंसूबों का जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान को सस्ती तवानाई फराहम करते हैं। पहले नंबर पर तरबेला डैम खैबर पख्तूनख्वा में दरिया सिंध पर वाक़ दुनिया के सबसे बड़े जमीन से भरे डैमों में से एक है। ये पाकिस्तान की पानी बिजली की पैदावार और पानी के इंतजाम में अहम किरदार अदा करता है। जिला हरिपुर में इस्लामाबाद से तकरीबन 105 किलोमीटर मगरब में वाकई ये डैम जिस पर तामीराती काम 1968 में शुरू हुआ और 1976 में मुकम्मल किया गया। तरबेला डैम एक रॉकफुल डैम है जिसकी ऊंचाई दरिया की सतह से 143 मीटर ऊपर और लंबाई 2743 मीटर है, जबकि डैम में जखेर की गुंजाइश 11.62 मिलियन एकड़ फिट है। मनसूबे में हाइड्रो पावर की नस्ल शुदा सलाहियत 4888 मेगावाट है जिस पर पांचवी एक्सटेंशन की तकमील के बाद 6418 मेगावाट हो जाएगी। इसका पावर स्टेशन 14 अमूदी फ्रांसिस टर्बाइन जनरेटर यूनिटों से लैस है जिनमें 10 175 मेगावाट टर्बाइन और 4 432 मेगावाट टर्बाइन शामिल हैं, जो तकरीबन 17395 गीगावाट आवर बिजली सालाना पैदा करता है। दूसरे नंबर पर गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम जो दरिया सिंध पर वाकई है। ये मनसूबा पंजाब में अटक से 10 किलोमीटर मगरब में और खैबर पख्तूनख्वा के हरिपुर के मशरक में वाकई है। मनसूबे पर काम 1995 में शुरू हुआ और इसे 2004 में मुकम्मल किया गया था। ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जिस पर हाइड्रो पावर की नस्ब शुदा सलाहियत 1450 मेगावाट है। इसका पावर स्टेशन 5 फ्रांसिस किस्म की टर्बाइन पर मुश्तमिल है। हर एक टर्बाइन 290 मेगावाट तवानाई पैदा करती है। सालाना जनरेशन की बात करें तो तकरीबन 7037 गीगावाट आवर बिजली पैदा होती है। तीसरे नंबर पर मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक कसीरुल मकासद डैम है जो आजाद कश्मीर के जिला मीरपुर में दरिया झेलम पर वाकई है। ये दुनिया के सबसे बड़े डैमों में से एक है जो पाकिस्तान की तवानाई और पानी के इंतजाम में अहम किरदार अदा करता है। इस्लामाबाद से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर वाकई इस मनसूबे पर तामीर का आगाज 1961 में हुआ और 1967 में इसे मुकम्मल किया गया। ये एक पुश्ते का डैम है जिसकी ऊंचाई 147 मीटर, लंबाई 3140 मीटर, जबकि जखैर की गुंजाइश 7.39 मिलियन एकड़ फिट है। बिजली के लिए नस्ब शुदा सलाहियत की बात करें तो इब्तदाई तौर पर 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाह थी, जबकि 1310 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए मनसूबे की तजदीद कारी जारी है। इस हाइड्रो पावर स्टेशन में 10 पैदावारी जनरेटर्स हैं जिनमें 800 मेगावाट और 2 135 मेगावाट पर मुश्तमिल हैं। मनसूबे की सालाना जनरेशन तजदीद कारी के बाद 5 बिलियन यूनिट से बढ़कर 6.5 बिलियन यूनिट होने की तवक्को है। चौथे नंबर पर नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है जो आजाद कश्मीर में वाकई है। ये मनसूबा दरिया नीलम के पानी को दरिया झेलम में एक पावर स्टेशन की तरफ मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। मनसूबे का तामीराती काम 2008 में शुरू हुआ और 2018 में मुकम्मल हुआ। ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जिसके कंक्रीट ग्रेविटी डैम की ऊंचाई 60 मीटर और लंबाई 125 मीटर है। ये मनसूबा 969 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है जिसके लिए 4 फ्रांसिस किस्म की टर्बाइन नस्ब की गई है। हर एक 242.25 मेगावाट बिजली पैदा करती है। सालाना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो तकरीबन 5150 गीगावाट आवर है। प्रोजेक्ट को कई चैलेंजों का सामना करना पड़ा, बाशमूल अर्जियाती मुश्किलात, बढ़ती हुई लागत और 2005 के कश्मीर में जलजले की वजह से ताखीर, जिसके लिए जलजले के मेयारात को पूरा करने के लिए दोबारा डिजाइन की जरूरत थी। मौजूदा नाजरीन मनसूबा इस वक्त भी तकनीकी खराबी का शिकार है जिसे दूर करने की कोशिश जारी है। पांचवें नंबर पर सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो वादी कागान जिला मानसेरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए कुनहार पर वाकई है। ये मनसूबा चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सी पैक का हिस्सा है और पाकिस्तान के हाइड्रो पावर सेक्टर में निजी शोबे की सबसे बड़ी सरमायाकारी की नुमाइंदगी करता है। प्रोजेक्ट पर तामीराती काम 2017 में शुरू हुआ जो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट असफाल्ट कंक्रीट फेस के साथ पुश्ते वाला डैम है। डैम की ऊंचाई 54.5 मीटर, लंबाई 336 मीटर, जबकि डैम में जखैर की गुंजाइश 9 मिलियन क्यूबिक मीटर है। हाइड्रो पावर जनरेशन की बात करें तो 884 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 4 पेल्टन किस्म की टर्बाइन नस्ब की गई है जिनमें से हर
एक 221 मेगावाट पैदा करती है। सालाना जनरेशन के लिहाज से तकरीबन 3212 गीगावाट आवर साफ बिजली पैदा होगी। ये मनसूबा एस के हाइड्रो की तरफ से तैयार किया गया है, जो एक कंसोर्शियम है जिसकी सरबराही चीनी सरकारी गजोबा ग्रुप करता है। मनसूबे की सरमायाकारी 1.96 बिलियन डॉलर है। ये सी पैक के तहत एक अहम मनसूबा है जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत इक्तसादी और बुनियादी ढांचे के ताल्लुकात को उजागर करता है। छठे नंबर पर क्रूट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है जो सूबा पंजाब में दरिया झेलम पर वाक है। ये क्रूट गाँव के करीब इस्लामाबाद से तकरीबन 55 किलोमीटर जनूब मशरक में तामीर किया गया है। ये अस्फाल्ट को रॉक फिल ग्रेविटी डैम है जिसकी ऊंचाई 95.5 मीटर, लंबाई 460 मीटर और इसमें जखायर की लंबाई 27 किलोमीटर है। पावर जनरेशन की बात करें तो मनसूबे की नस्ब शुदा सलाहत 720 मेगावाट के लिए 180 मेगावाट की चार फ्रांसिस किस्म टर्बाइन नस्ब की गई हैं, जो सालाना तकरीबन 3436 गीगावाट आवर तवानाई पैदा करती हैं। मनसूबे पर तामीराती काम दिसंबर 2016 में शुरू किया गया था, जिसे 1.42 बिलियन डॉलर लागत से जून 2022 में मुकम्मल किया गया। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को चाइना 3 गोजेस कारपोरेशन ने बनाया है, जिसकी मलकियत 30 साल के बाद पाकिस्तानी हुकूमत को मुंतकिल की जाएगी। मौजूदा नजरिन, ये मनसूबा कार्बन के अखराज में कमी का सबब बनेगा, जिससे हर साल 1.4 बिलियन डॉलर कोयले में खर्च की बचत होगी। सातवें नंबर पर वारसक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान के इब्तदाई और अहम पन बिजली के मनसूबों में से एक है। ये दरियाए काबुल पर खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर से तकरीबन 20 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़ है, जो बड़ा कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 76.2 मीटर और लंबाई 140 मीटर है, जबकि इब्तदाई तौर पर इसकी बिजली पैदा करने की सलाहत 160 मेगावाट थी, जिसके लिए 40 मेगावाट के चार यूनिट नस्ब किए गए थे। 1980-81 में 41.48 मेगावाट के दो इजाफी यूनिट शामिल हो गए, जिससे कुल सलाहत 242.96 मेगावाट हो गई। इस मनसूबे से तकरीबन 1144 गीगावाट आवर बिजली सालाना पैदा होती है। आठवें नंबर पर चश्मा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एक अहम पन बिजली की सहूलत है, जो चश्मा बेराज के दाएं तरफ जिला मियांवाली के गांव चश्मा के करीब दरिया सिंध पर वाक़ है। ये रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट है, जिसके स्टोरेज की ऊंचाई 11.28 मीटर और लंबाई 1084 मीटर है। पावर जनरेशन की बात करें तो मनसूबे की नस्ब शुदा सलाहत 184 मेगावाट है, जिसमें 8 कप्लान किस्म की टर्बाइने नस्ब है। हर एक की गुंजाइश 23 मेगावाट है, जिनकी सालाना बिजली की पैदावार 675 गीगावाट आवर है। मनसूबे पर काम 10 फरवरी 1967 को शुरू किया गया, जो 25 मार्च 1971 को मुकम्मल हुआ। नवे नंबर पर पतरेंद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एक अहम रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो दरियाए कुनहार पर पतरेंद गांव के करीब खैबर पख्तूनख्वा के जिला एबटाबाद और आजाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद की सरहद पर वाक़ है। एक हाई हेड प्रोजेक्ट जिसके डैम की ऊंचाई 26 मीटर और लंबाई 114.5 मीटर है। मनसूबे पर पावर जनरेशन की नस्ब शुदा सलाहत 150 मेगावाट, जिसके लिए 350 मेगावाट अमूदी फ्रांसिस टर्बाइन यूनिट इंस्टॉल किए गए हैं। सालाना पैदावार की बात करें तो तकरीबन 632.5 गीगावाट आवर सस्ती तवानाई पैदा करता है। जनवरी 2009 को इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर शुरू हुई, जिसे नवंबर 2017 में 400 मिलियन डॉलर की लागत से मुकम्मल किया गया। दसवें नंबर पर दुबेर खवार हाइड्रो पावर प्लांट जिला कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के कस्बे पतन के करीब दरिया खवार पर बनाया गया है, जो दरिया सिंध की मोवे नदी है। ये एक रूलर कम्पैक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, जिसकी ऊंचाई 40.5 मीटर जबकि लंबाई 202 मीटर है। बिजली के लिए नस्ब शुदा सलाहत 130 मेगावाट, जो 265 मेगावाट पेल्टन किस्म की टर्बाइनों पर मुश्तमिल है, जिनसे सालाना तकरीबन 595 गीगावाट आवर बिजली पैदा होती है। मनसूबे पर तामीर का आगाज 2003 में हुआ, जिसकी तकमील जून 2013 को तकरीबन 16.325 बिलियन रुपए की लागत से हुई। ग्यारहवें नंबर पर अलाई खवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एक अहम रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये भी दरिया खवार पर बटग्राम जिला में बशाम के करीब तामीर किया गया है, जो एक रन ऑफ द रिवर हाई पैड प्रोजेक्ट है। इसके डैम की ऊंचाई 71 मीटर और लंबाई 88 मीटर है, जबकि पावर जनरेशन की नस्ब शुदा सलाहत 121 मेगावाट है। 121 मेगावाट बिजली की पैदावार के लिए 260.5 मेगावाट पेल्टन किस्म की टर्बाइन लगाई गई है। मनसूबे की सालाना जनरेशन तकरीबन 463 गीगावाट आवर है। इस मनसूबे पर तामीर का आगाज जनवरी 2005 को हुआ, जिसे मार्च 2013 को 13.8 बिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया था। बारहवें नंबर पर गोलन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एक अहम रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। जिला चित्राल खैबर पख्तूनख्वा में दरिया मस्तवज की एक बड़ी मोमन नदी गोलन गोल पर वाक है। ये एक कशिश शक्ल रूरल कम्पैक्टेड कंक्रीट डैम है, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर और लंबाई 60 मीटर है। मनसूबे से 108 मेगावाट बिजली
पैदा होती है, जिसके लिए 36 मेगावाट तीन पेल्टन किस्म की टर्बाइनें लगाई गई हैं, जिनसे 436 गीगावाट आवर बिजली सालाना पैदा होती है। मनसूबा 2018 से मुल्क पाकिस्तान को ग्रीन एनर्जी मुहैया कर रहा है। 13वें नंबर पर गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एक और अहम रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो दरियाए पूंछ पर कोटली जिला में गुलपुर के करीब आजाद कश्मीर में बनाया गया है। ये रूलर कम्पैक्टेड कंक्रीट डैम, जिसकी ऊंचाई 35 मीटर और लंबाई 238 मीटर है, पावर जनरेशन के लिए नस्बशुदा सलाहियत 102 मेगावाट है, जिसके लिए 51 मेगावाट कपलान किस्म की टर्बाइन लगाई गई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से सालाना तकरीबन 465 गीगावाट आवर बिजली पैदा होती है। इस मनसूबे की तामीर का आगाज जनवरी 2014 में और तकमील फरवरी 2020 को तकरीबन 34 बिलियन रुपए की लागत से की गई।